अंकृष रघुवंशी ने 27 गेंद का सामना करते हुए 5 चौके और 3 छक्के जड़े। अंकृष ने 54 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल आईपीएल में इतिहास रच दिया। अंकृष डेब्यू मैच में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। अंकृष ने 25 गेंद पर अपना पहला आईपीएल अर्धशतक जड़ा। अंकृष रघुवंशी 18 साल 303 दिन की उम्र ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के खिलाफ आईपीएल 2024 का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 272 रन बनाया। केकेआर की तरफ से सुनील नारायण ने सर्वाधिक 85 रन बनाए। एक तरफ जहां नारायण के पारी की चर्चा है, वहीं युवा खिलाड़ी अंकृष ने अपनी पारी से सभी को मोह लिया। अंकृष रघुवंशी ने 27 गेंद का सामना करते हुए 5 चौके और 3 छक्के जड़े। अंकृष ने 54 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल आईपीएल में इतिहास रच दिया। अंकृष डेब्यू मैच में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। अंकृष ने 25 गेंद पर अपना पहला आईपीएल अर्धशतक जड़ा। अंकृष रघुवंशी साल 2022 में अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम भारत के स्क्वाड में शामिल थे। दिल्ली में पैदा हुए इस युवा खिलाड़ी ने साल 2022 में भारत के लिए आईसीसी अंडर-19 वनडे विश्व कप जीता में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 46.33 के प्रभावशाली औसत से 278 रन बनाए थे। ये इवेंट वेस्ट इंडीज में की मेजबानी में आयोजित की गई थी। 18 साल के अंकृष रघुवंशी और सुनील नरेन कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खिलाड़ी। विशाखापत्तनम में इन दोनों प्लेयर्स का बैटिंग शो देखने को मिला। ऐसा शो कि एक समय लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद SRH का 277 रन का रिकॉर्ड स्कोर पीछे रह जाएगा। कोलकाता ने पहले 10 ओवर में 135 रन तान दिए थे। नरेन की पारी से ज्यादा चर्चे अंकृष के थे। इरफान पठान ने तो अंकृष के शॉट में स्वैग की बात तक कह दी। रघुवंशी आईपीएल में अर्धशतक बनाने वाले कुल मिलाकर 7वें सबसे युवा बल्लेबाज हैं और 2018 में शुभमन गिल 18 237 के बाद नाइट राइडर्स के लिए दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज हैं। इसके अलावा रघुवंशी का यह अर्धशतक 2008 में अपने पहले मैच में जेम्स होप्स के 24 गेंद में बनाए गए अर्धशतक के बाद आईपीएल की पहली पारी में बनाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है।